हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बट कुछ है जिससे हम सब बने हैं एंड दैट इज़ नॉट डूइंग सो गुड बिकॉज ऑफ अस। तो आज का जो आर्ट है दैट इज़ अ वेरी सिंपल आर्ट, बट द मैसेज इट कन्वेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। सो वी ऑल टॉक अबाउट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बट जिससे हमारा अस्तित्व है, जिस पे पृथ्वी पर रह रहे सारे जीव जंतु डिपेंडेंट है, उसे भूल जाते हैं, और वो है हमारी मिट्टी। ये शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाना है, पर जब तक जीवित हैं हमारा खान पान, हमारा रहना, हमारे कपड़े, सबकी स्रोत मिट्टी ही है, अर्थात मिट्टी पे ही निर्भर है। हम जो भी खाते हैं वो किस तरह की मिट्टी में उपजाया गया है, उससे ही फर्क पड़ता है कि हमें कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्या आप जानते हैं, आज से 40-50 साल पहले एक ऑरेंज में जितने विटामिन्स होते थे, आज उतने विटामिन्स पाने के लिए 8 ऑरेंजेस खाने पड़ेंगे। अक्सर हम अपने बुजुर्गों को कहते सुनते हैं कि उनके ज़माने में खाना पौष्टिक हुआ करता था, पर आज के फल सब्जियों में वो न्यूट्रिशन नहीं है। ऐसा क्यों? पेड़ पौधे जो भी न्यूट्रिशन हमें देती है वो लेती कहाँ से है? इसी मिट्टी से। और अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम हो जाता है तो हमें खाने में भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। मिट्टी में रह रहे करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को अलग अलग तरह से तोड़कर यूजफुल कंपाउंड्स बनाते हैं। आज मिट्टी में ऑर्गेनिक कंटेंट कम होने के कारण एंड केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल होने के कारण करोड़ों मिट्टी में रहने वाले जीव भी कम होते जा रहे हैं। डू यू नो, यूनाइटेड नेशन सेज 1/3 ऑफ वर्ल्ड सॉइल इज ऑलरेडी डिग्रेडेड एंड ओनली 45-50 ईयर्स ऑफ सॉइल इज लेफ्ट। वी आर मूविंग टूवर्ड्स सॉइल एक्सटिंक्शन। सुनकर अजीब लगता है ना कि मिट्टी कैसे ख़त्म हो सकती है? मिट्टी तो रहेगी पर ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा, और ये नहीं रहेगा तो लाइफ नहीं रहेगी। बस ये समझ लीजिए जैसे रेगिस्तान। मिट्टी है तो, पर जीव जंतु नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेज देयर विल बी 30% लेस फूड इन नेक्स्ट 20-50 ईयर्स, which will lead to serious food crisis if we do not do something now. Aaj food crisis nahi hai, to bhi 60% people are suffering from chronic disease due to insufficient nutrition in food, jiske liye kai baar hame alag se supplement bhi lena padta hai. Imagine the consequences in next 20 to 30 years. Not only food, fertile soil is capable of retaining more moisture for a longer period of time. And imagine, agar sab registan ho gaya to pani kahan se aayega? So this is the time to act upon it. For this, the first thing is to make everyone aware of the current situation of our soil and what disaster it will lead to if the trend continues like this. Sadhguru and Isha Foundation has taken an initiative as safe soil movement for us, for the people, by the people. You can also join the movement and support to save our soil by signing up as an earth buddy. Do visit the website safesoil.org for more details. Thank you. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body.